नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती, इसीलिए वह परेशान हो जाता है। और आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे किसी केस को फाइल किया जाता है और सिविल केस या फिर दीवानी मुकदमे में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा कैसे करते हैं या क्या कर सकते हैं। यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। और जबकि जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई भी विवाद होता है तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो इस केस को दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी, विस्तार से तमाम पहलुओं पर जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नवीन जी, आपको इस केस से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को समझाएंगे, सिविल केस से जुड़े हुए तमाम नियम कायदों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी है। तो विषय बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल केस से जुड़ा हुआ। आज हम आपको जो जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे और बताएंगे कि सिविल केस क्या होता है, कैसे अपने हक के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। और अगर आपका भी कोई सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नवीन जी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ। नवीन जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि सिविल केस क्या होता है, आसान और सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। सिविल केस या दीवानी विवाद हम ऐसे मामलों को कहते हैं जहां पर किसी प्रकार की हिंसा ना हो बल्कि अधिकारों का उल्लंघन हो या पैसों को लेकर के किसी प्रकार का विवाद हो या किसी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो या किसी इसमें किसी प्रकार की मारपीट वॉयलेंस इन्वॉल्व नहीं होती है ना। तो ऐसे मुकदमे जब दायर किए जाते हैं तो उनको सिविल विवाद कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज दिया और कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका रहे तो ऐसे में जो वाद दायर होगा वह सिविल वाद दायर किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के तहत उनका उल्लंघन होता है तो ऐसे मामलों में भी सिविल सूट फाइल होता है। किसी चल या अचल संपत्ति से संबंधित कोई मामला हो तो वहां भी दीवानी वाद ही दायर होगा। सुखाधिकार से संबंधित वाद, जैसे व्यक्तिगत नाले का उपयोग है ना, या अपने घर में रोशनी हवा आने का जो अधिकार होता है उसको कोई और यदि बाधित कर रहा है किसी प्रकार का निर्माण या कोई अन्य कार्य करके, तो ऐसे मामलों में भी सिविल केस फाइल होते हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो विवाद होते हैं ये सब सिविल वाद की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई संविदा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, उसके नियम और शर्तों का उल्लंघन कोई एक पक्ष यदि करता है तो जो दूसरा पक्ष है वो जो वाद दायर करेगा वो सिविल वाद होगा। इसी प्रकार से धार्मिक अधिकारों से संबंधित यदि कोई मामला उत्पन्न होता है या सार्वजनिक स्थलों के उपयोग को लेकर के, या इसी प्रकार से मोटर दुर्घटना में यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो ऐसे मामलों में यदि मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करना हो तो ये सारे सिविल वाद के रूप में दायर किए जाएंगे। जी ठीक है सर, ये बताइए कि सिविल केस कौन फाइल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है,
सिविल प्रक्रिया संहिता, इसकी आदेश एक नियम एक को यदि हम देखें तो इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनके किन्हीं प्रकार के अधिकारों का हनन किया गया हो या जिनकी संपत्ति पर विवाद उत्पन्न हो रहा हो, है ना, या कोई आर्थिक लेन देन का मामला हो, है ना, तो इस तरह के मामलों में यदि आपको कोई क्षति पहुंचाई गई है या आपके साथ कोई नुकसान किया जा रहा है तो वह व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ वह व्यक्ति वाद दायर कर सकता है। ठीक है जी। तो आवश्यक टेस्ट क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो वह व्यक्ति वादी के तौर पर सिविल मुकदमा दायर कर सकता हो। ठीक है सर, सिविल केस किन के विरुद्ध फाइल किया जा सकता है, कौन फाइल कर सकता है, तो आपने बता दिया किन के विरुद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारों के हनन की बात की गई है, अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अधिकार उससे छीने गए हैं, जिसके साथ में अकृत्य किया गया है, तो जाहिर तौर पर ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसने अधिकारों का हनन किया या जिसने अपकृत्य किया और जिससे हम मुआवजा चाहते हैं या जिसके ऊपर किसी प्रकार का निषेध हम चाहते हैं। तो जो दोषी व्यक्ति होता है सिविल वाद में, जिसके वजह से हमें किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है और उनको प्रतिवादी बनाया जा सकता है सिविल मुकदमे के अंदर। जी नवीन जी, बताइए कि सिविल केस कहाँ फाइल हो सकता है? जी, सिविल केस को जहां तक फाइल करने का सवाल है, इस पर काफी सारे प्रावधान सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं। सबसे पहला तो यदि हम धारा 15 को देखें तो धारा 15 ये कहता है, वैसे तो दीवानी अदालतें जो है अलग अलग लेवल की होती हैं, अलग अलग स्तर की होती हैं, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। अब इनमें से कहां पर दायर करें मुकदमा, तो इस चीज पर जो स्पष्टता है वो धारा 15 में दी गई है। धारा 15 ये कहता है कोई भी वाद, प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी निम्नतम श्रेणी की न्यायालय है वहां पर स्थापित की जाए। ये मेन कंडीशन हो गया कि लोएस्ट कोर्ट जो होता है वहां पर आपको सिविल केस फाइल करना है। इसके आगे जब हम सेक्शन 16, 17, 18, 19 और 20 देखेंगे तो यहां पर और भी कुछ क्लैरिटीज है और भी कुछ मामलों के विषय में जिक्र किया गया है। जैसे सेक्शन 16 में ये कहा गया है, यदि अचल संपत्ति से संबंधित कोई वाद दायर करना है या चल संपत्ति से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति के साथ में गलत हुआ, जहां पर वाद का कारण उत्पन्न हुआ, या तो उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार जिस किसी भी न्यायालय के पास हो वहां पर दायर किया जा सकता है, या फिर जहां पर जो दोषी व्यक्ति है वो जहां निवास करता हो या जहां पर रहकर वो किसी प्रकार का व्यवसाय करता हो, ऐसे स्थान पर उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में आप सिविल वाद दायर कर सकते हैं। जी, इसी प्रकार से ये भी स्पष्ट किया गया है कि कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा अचल संपत्ति है, और मान लेते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो भी कोर्ट हो उसका जो क्षेत्राधिकार होता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, लेकिन कई बार हमें देखने को ये मिलता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो यहां पर हमें देखना होगा सिविल प्रोसीजर कोड में कहा गया है कि मान लेते हैं तीन या चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट्स में है, तो मुकदमा आप किसी एक ऐसे
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में कर सकते हैं, जहां पर कम से कम एक संपत्ति उपस्थित हो जी। तो इस प्रकार से बहुत सारे मापदंड हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना होता है, और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि वाद कहां पर दायर किया जाएगा, किस अदालत में दायर किया जाएगा जी। ठीक है सर, कोर्ट की क्या फी होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है? नेहा जी, ये बहुत आवश्यक सवाल है, क्योंकि सिविल केस कोई भी होता है तो वहां पर हर वादी को कोर्ट फी का भुगतान करना होता है। ठीक है, जो कोर्ट फी है या न्यायालय शुल्क जिसे कहते हैं, ये मुकदमे के विषय वस्तु के का जो कुल मूल्य होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत है जो कि भुगतान करना पड़ता है अदालत में। ये इसलिए भी भुगतान करना पड़ता है कि कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। तो इस मकसद से न्यायालय शुल्क जो है वो वसूला जाता है कोर्ट्स के द्वारा जी। अब कोर्ट फीस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए भारत में एक कानून लाया गया था जिसको कोर्ट फीस अधिनियम कहते हैं। ये 1870 में पारित हुआ था। इस कानून के अंदर यदि आप देखें तो कुछ तो ऐसे मुकदमे हैं जिनकी गणना पहले से दी हुई है, अलग अलग प्रकार के मुकदमे, और वहां पर कोर्ट फीस कितनी देनी होती है वो पहले से वहां पर एक टेबल उपलब्ध है, या तो उसको देख करके वहां से देख के आप डिसाइड करके मतलब वहां से देख करके जो भी निर्धारित फीस है वो आप दे सकते हैं जी। कई बार क्या होता है कि विषय वस्तु को लेकर के अलग अलग विषय वस्तु के लिए अलग अलग कोर्ट फीस निर्धारित है। साथ ही साथ एक चीज हमें और ध्यान देना होगा कि कोर्ट फीस अधिनियम 1870 में संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन कोर्ट फीस वसूलने की जो पावर्स है वो स्टेट के पास है। तो स्टेट को भी पावर दिया गया है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जो केंद्र द्वारा पारित कानून है उसमें संशोधन कर सके और उसमें अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमताओं के अनुसार परिवर्तन कर सके। तो इसलिए ये भी देखने को मिलेगा कि अलग अलग राज्य में एक ही मुकदमे के लिए अलग अलग कोर्ट फीस का अमाउंट होता है, हर राज्य में बराबर नहीं होता जी। जैसा कि मैं बता रहा था कोर्ट फीस अधिनियम के अंदर कुछ मामलों के लिए तो पहले से टेबुलर फॉर्म में फीस जो है निर्धारित करके उसको वहां पर लिखा गया है, तो उस लिस्ट को देखते हुए तय हो जाता है कि कितनी कोर्ट फीस जमा करानी है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर मूल्यांकन करना आवश्यक होता है विषय वस्तु का या संपत्ति का या वाद का भी मूल्यांकन करना होता है। तो जहां पर मूल्यांकन करना होता है ऐसे मामलों में एक प्रिस्क्राइब्ड रेट दिया हुआ है, उस रेट के आधार पर आपको गणना करनी होती है। जैसे दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली के अंदर मान लेते हैं कि सूट फॉर रिकवरी फाइल करना है, तो सूट फॉर रिकवरी के लिए जो वहां पर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दिया गया है वहां ये दिया गया है कि पहले 4 लाख तक यदि मूल्य है जो वसूल करना है किसी पक्ष से और अमाउंट जो है 4 लाख से ज्यादा नहीं है, तो 4 लाख के लिए 6,248 रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है कि यदि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति से मुझे 10 लाख रुपए वसूल करने और उसके लिए मुझे मुकदमा दायर करना होता है, तो कोर्ट फी टेबल के अनुसार पहले 4 लाख रुपए पर 6,248 रुपए की फीस है, वो फिक्स्ड अमाउंट है। जो बाकी के 6 लाख है उन 6 लाख को सबसे पहले
अब उसके विषय में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि प्रति 5,000 रुपए 48 रुपए 80 पैसे के हिसाब से गणना की जाएगी। तो 6 लाख को सबसे पहले तो हम 5,000 से भाग देंगे, जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48.8 से, और जो अमाउंट निकल के आता है उसमें हम फिर वापस 6,248 ऐड कर देते हैं, तो टोटल कोर्ट फीस निकल आता है। करने का मतलब यह हुआ कि कोर्ट फीस के लिए जो भी टेबल कोर्ट फीस अधिनियम में दिया गया, जो भी सूची दी हुई है, उसके आधार पर गणना की जाती है। जी सर, इसी के साथ ये भी बताइए कि सिविल केसेस जो हैं वो कितने उसके स्टेजेस होते हैं? नेहा जी, सबसे पहला स्टेज आपको मसौदा तैयार करना होता है, दस्तावेज तैयार करना होता है, जिसमें आप वादी और परिवादी दोनों का संपूर्ण विवरण देते हैं, अदालत का विवरण देते हैं कितने न्यायालय में आप दायर कर रहे हैं, फिर आप ये लिखते हैं उसके अंदर कि आपके साथ में किस प्रकार से कौन सा कार्य करके आपको क्या क्षति पहुंचाई गई है, और न्यायालय से आप किस प्रकार की राहत मांग रहे हैं। इन सब का विवरण देते हुए जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसको प्लेंट कहते हैं। सबसे पहले तो इसको फाइल करना होता है। जब वाद दायर कर दिया जाता है उसके बाद अदालत प्रतिवादी को समन जारी करता है। समन जारी किए जाने के बाद समन के अंदर ये कहा जाता है, प्रतिवादी को समय और तारीख दिया जाता है कि किस दिन किस समय उसे उपस्थित होकर के कोर्ट में कोर्ट के सवालों का जवाब देना है। ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरे स्टेज पर प्रतिवादी को उपस्थित होना होता है और न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होना पड़ता है, और जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब देना होता है। उपस्थिति के साथ साथ प्रतिवादी को अपनी अपना जो लिखित वर्जन है, जो उसका पक्ष है, उसको भी लिखित रूप में दायर करना होता है। इसके बाद में अब यहां पर दो परिस्थितियां हैं, प्रतिवादी या तो उपस्थित होता है उस तारीख पर या फिर नहीं होता। यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है और अपना लिखित रूप में अपना पक्ष यदि रखता है, फिर तो मुकदमा अलग तरीके से आगे बढ़ेगा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है समन मिलने के बावजूद, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा और गवाही सुन के जेरन सुन के आदेश पारित कर देगा। लेकिन यदि प्रतिवादी उपस्थित हो गया, उसने अपना पक्ष भी जो है लिखित में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, तो उसके बाद यदि किसी प्रकार की इंटरिम रिलीफ मांगी गई है वादी के द्वारा, तो इंटरिम रिलीफ के लिए यदि कोई आवेदन है तो सबसे पहले तो उसका निष्पादन होगा और अस्थायी राहत प्रदान की जाएगी वादी को। इसके बाद में दोनों पक्ष जो है वे अपने अपने लिखित बयान दायर करते हैं अदालत के अंदर। ये छठा चरण है। लिखित बयान के बाद में गवाहों का परीक्षण होता है, उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं ये स्थापित करने के लिए कि जो भी मुकदमे में बातें कही गई है क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं। परीक्षण के बाद जो आठवां चरण आता है वो होता है मुद्दों का निर्धारण। अदालत ये तय करती है कि पक्षों के बीच में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर निर्णय करना आवश्यक है। जब मुद्दे निर्धारित हो जाते हैं उसके बाद दोनों पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर उन दोनों पक्षों का जो भी पक्ष है वो सिद्ध हो सके। जब दस्तावेज न्यायालय में दे दिए जाते हैं उसके बाद दस्तावेजों का निरीक्षण करना होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे के दस्तावेजों का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद में उसको या तो एडमिट करते हैं या फिर
उसको डिनाई करते हैं। इसके बाद में अदालत गवाही के लिए आगे बढ़ती है और गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। विपक्ष के द्वारा गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, यदि आवश्यकता होती है तो री एग्जामिनेशन भी किया जाता है। जब गवाही कंप्लीट हो जाए उसके बाद में दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं अदालत में। तर्कों को सुनने के बाद अदालत निर्णय लेती है। निर्णय लेने के बाद में जजमेंट पास किया जाता है और उसके बाद में डिक्री तैयार की जाती है। डिक्री एक बार हो जाने के बाद दोनों पक्ष के पास में या तो अपील में जाने का समय होता है या उसकी समीक्षा कराने का, या निर्णय में यदि कोई त्रुटि है तो उसके संशोधन का। इनके लिए यदि समीक्षा करानी है तो समीक्षा कराने के लिए 30 दिन का समय होता है निर्णय की तारीख से, या यदि अपील में जाना हो या पुनरीक्षण करवाना हो तो उसके लिए क्रमशः 60 और 90 दिनों की समय सीमा होती है। यदि अपील में नहीं जाती है कोई पक्ष तो लास्ट स्टेज और 18वां स्टेज जो होता है वो होता है डिक्री का निष्पादन। इसके लिए यदि विपक्ष ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पालन नहीं किया तो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया जाता है और डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि सिविल केस क्या होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, कैसे आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कैसे अपने लिए न्याय की गुहार लगा सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।